देश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर हैं और उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं कराने के सवाल पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में डर है, भाजपा को डर लग रहा है, इसलिए आरक्षण कराने से बच रही है, भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए आरक्षण नहीं कराए जा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, हम शुरू से ही चुनाव कराने के पक्ष में हैं, लेकिन नियमों के आधार पर, लेकिन भाजपा पंचायती राज के नियमों को भी दरकिनार कर रही है। पंचायत चुनाव के पहले आरक्षण कराना अनिवार्य है, तो फिर क्यों भाजपा आरक्षण कराने से बच रही है? और बता दें कि पूर्व कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। वे यहां पर विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। जो आरक्षण है उस पर सरकार काम नहीं कर रही, पुराने पे कर रही। ये बहुत बड़ा अन्याय है आम जनता के साथ कि आज के दिन अगर चुनाव आज हो रहा है, आज की परिस्थितियों में, आज के आरक्षण में, आज के ये डर के कारण इस तरह कर रही है, जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।